उनमें ज्ञान है, उनमें भक्ति है। ये क्या हो रहा है महारानी? महाराज, हम देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है, बुद्धि का या भक्ति का? भक्ति का। महाराज, विजयनगर को राजगुरु की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वह धर्म गुरु है। स्वयं भगवान शिव जी से उनका वार्तालाप होता है महाराज, और शिव जी की सहायता से वह विजयनगर में आने वाले सभी संकटों को टाल देंगे। पंडित रामकृष्ण की बुद्धि बहुत भारी है, तो आप बताइए महाराज, आप अपना मत किसे देंगे, बुद्धि को या भक्ति को? बताइए महाराज, बताइए महाराज, आप अपना मत किसे देंगे? बोलिए, बुद्धि को या भक्ति को? पंडित रामकृष्ण, हाँ? और गुरुवर तथाचार्य, हाँ? हमें तो दोनों ही अति प्रिय है ना, परंतु हमारा मत ये है, ये एक गुप्त मतदान है, इसलिए इस समय हम अपने मत को गुप्त ही रहने देते हैं और उचित समय आने पर सबके समक्ष रखेंगे। महाराज, हमें चमगादड़ के भांति उल्टा क्यों लटका के रखा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है गुरुजी? ताकि तुम दोनों की बुद्धि तीव्र गति से चल सके और तुम हमें ये बता सको कि ये उल्टी गंगा क्यों बहने लगी है। पंडित रामकृष्णा हमारा गुणगान क्यों कर रहे हैं? गुरुजी, आप तनिक भी चिंतित ना हो, पंडित रामकृष्ण चाहे कितना भी असत्य बोल ले, विजयनगर की प्रजा को आपकी सच्चाई भली भांति ज्ञात है। क्या कहा तुम? ये कहना चाहते हो कि हम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, लालची हैं? नहीं नहीं गुरुजी, ये तो आप स्वयं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है, आप चाहे कितना भी ढोंग कर ले। कितना भी पाखंड करते हो कि शिव जी आपको दर्शन देते हैं, किंतु प्रजा तो यही मानती है कि शिवजी सच में आपको दर्शन देते हैं, इसीलिए चुनाव हुए तो प्रजा तो आपको ही मत देगी ना। गुरुवर, गुरुवर, अरे गुरुजी सीधा तो कर दीजिए हमें। अरे गुरुजी आ जाओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ? गुरुवर क्षमा कर दीजिए, पंडित रामकृष्ण ने हम सबकी आंखें खोल दी है। आंखें खोल दी? कैसे खोल दी? उन्होंने समझा है कि आप कितने महान व्यक्ति हैं, आपका विजयनगर में होना किसी खजाने से कम नहीं है, अतः हम सब ने निश्चय किया है कि हम सब आपके पक्ष में पंडित रामकृष्ण जी के कहने पे मतदान करेंगे। प्रणाम गुरुवर। पंडित रामकृष्ण के कहने पर मतदान करेंगे? हमारी समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कौन सी गुत्थी है जो पंडित रामकृष्ण हमारे लिए सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? कुछ तो पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क में चल रहा है, पता लगाना पड़ेगा। ए धने मने। जी गुरुजी। यदि तुम लोग चाहते हो कि हम पुनः तुम दोनों को उल्टा कर दंडित ना करें, चलो हमारे साथ पता करने कि पंडित रामकृष्ण कौन सा खेल खेल रहे हैं। जी गुरुजी। ये लीजिए, महादानी, महादयालु, करुणा के सागर राजगुरु तथाचार्य की ओर से आप सभी के लिए सप्रेम भेंट। बोलिए राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। नहीं पंडित रामकृष्णा जी,
मुझे ये अन्न नहीं चाहिए। अच्छा तो कहिए आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए होगा वो राजगुरु तथाचार्य आपको अवश्य प्राप्त करवाएंगे। जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्या है जो आपको नहीं दे पाएंगे? आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका चातुर्य। पंडित रामकृष्णा जी, यदि आप ही वन चले गए तो विजयनगर का क्या होगा? कौन हमारी समस्याओं का निवारण करेगा? मित्र, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। विगत 20 वर्षों तक जब मैं विजयनगर में नहीं था तो आपकी समस्याओं का निवारण कौन करता था? राजगुरु तथाचार्य जिस प्रकार आपकी समस्याओं का समाधान करते थे उसी प्रकार आगे भी करेंगे। परंतु राजगुरु ने तो... गुरुवर न्यायप्रिय भी हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें और ये अन्नदान स्वीकार करें। धन्यवाद। बोलिए राजगुरु तथाचार्य की जय। 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 अलख निरंजन भय भंजन, हम हिमालय की चोटी पे तपस्या करके सीधा नीचे आए हैं। हम तपस्वी हैं, हम अंतर्यामी हैं और दूरदर्शी भी। हम तो इतना ही कहेंगे बच्चा कि बाबा की दृष्टि से सत्य में लिपटा हुआ कोई भी असत्य हो बच नहीं सकता, कभी छिप नहीं सकता। अलख निरंजन। ये बच्चा कुछ समझा नहीं महाराज। हम समझाते हैं बच्चा। हम मनुष्य के मुखमंडल को देख के उसके मन की बात को जान जाते हैं। हम तुम्हारे मुखमंडल को देखकर तुम्हारे मन की बात को जान गए हैं। क्या जान गए? यही कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा चिर प्रतिद्वंदी राजगुरु तथाचार्य है, सबके सामने तुम उसका गुणगान क्यों कर रहे हो? आप दोनों तो अंतर्यामी हैं, आप तो अवश्य ही जानते होंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। हमें तो सब ज्ञात है, लेकिन हम तुम्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने मुख से ये स्वीकार करो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ए बंधु, रामा, इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि तू उल्टी गंगा बहा रहा है? और इन्हें क्यों इतनी पड़ी है जानने की कि तू ये सब क्यों कर रहा है? अरे, कदाचित आपके परिचित आपको बुला रहे हैं मुनिवर। अलख निरंजन भय भंजन। हाँ, शांत मुनिवर, शांत। क्या है कि आप दोनों से कुछ छिपा तो है नहीं, किंतु आप दोनों जब इतना कह रहे हैं तो अपने मुख से बता देता हूँ कि मैं ये सब धनवान बनने हेतु कर रहा हूँ। हाँ, और जब मैं धनवान बन जाऊँ ना, तब आप दोनों मुझसे मिलने अवश्य आइएगा। सर से लेकर नख तक स्वर्ण से ढक दूंगा, स्वर्ण से। अब घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम 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 प्रणाम। सर से लेके नख तक सोर से ढक देंगे। अरे मर्यादा में रहो गधे, क्या कहा पंडित रामकृष्णा ने? गुरुजी सोर से ढक देंगे, अर्थात वो ये सब अत्यंत ही धनवान बनने के लिए कर रहे हैं। वन में जाकर अत्यंत धनवान कैसे बन जाएंगे? वो अवश्य कोई भेद है, जानना ही होगा। कहाँ गए हैं वो? पंडित रामकृष्णा कह रहे थे वो अपने निवास पर जा रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते। किसी भी स्थिति में हम ये जानना चाहते हैं कि वन में जाकर अत्यंत धनवान बनने का ये चक्कर क्या है। चलो चलकर पता लगाते हैं। चलो हमारे साथ। अम्मा, समझ लीजिए हमारा सारा धन डूब गया। तो सबको विश्वास हो गया कि रामा का वन जाना निश्चित है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा धन डूब जाएगा?
तुम महाराज के मुख्य सलाहकार की पत्नी जो हो। काहे का मुख्य सलाहकार? संपूर्ण विजयनगर ये कह रहा है कि रामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अपने प्रतिद्वंदी को जिताने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। अरे उस पाखंडी तथाचार्य की प्रशंसा करती नहीं थक रहा तू? देखिए अम्मा, डंडा खाकर भी मुस्कुरा रहे हैं। अरे अब तो हम सबका बन जाना निश्चित है। अरे बोलते क्यों नहीं कि क्यों उस गुरुवर को जिताना चाहते हैं आप? द्वार और खिड़कियों के भी कान होते हैं। इस खिड़की के कान कहाँ हैं? इधर आओ। आओ ना। भूल कर भी किसी से मत कहना, मैं सदैव के लिए वन थोड़ी ना जाऊंगा और मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। अपितु ये तो मेरी बुद्धि का कमाल है कि मैं गुरुवर को जितवा कर विजयनगर में रखना चाहता हूँ ताकि मैं स्वयं वन चला जाऊँ। गुरु जी जो हैं वो मुझे कोई सेवक वेवक बनाकर नहीं ले जाना चाहते, अपितु उन्हें तो उत्तराधिकारी की खोज है अम्मा, उत्तराधिकारी की। जो भी उनके साथ बन जाएगा पहले माँ वो उसे शल्य चिकित्सा के गुण सिखाएंगे, तत्पश्चात उसे वो सौंपेंगे। अब पूछो क्या सौंपेंगे? क्या सौंपेंगे? क्या सौंपेंगे? खजाना। हाँ खजाना, हीरे मोती स्वर्ण चांदी यही सब सौंपेंगे। अरे बहुत बड़ा खजाना है। अरे नृत्य करना बंद करो, सुनो मेरी बात, बहुत बड़ा खजाना है उनके पास और वो चाहते हैं कि जो भी उनका उत्तराधिकारी बने वो अपना सारा खजाना उसे सौंपकर हरिद्वार चले जाएं सदैव के लिए। सोचो अम्मा, मैं 7 जन्म भी लूंगा ना तो भी उस खजाने के 10वें भाग जितना धन अर्जित नहीं कर पाऊंगा। हाँ और यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल रहा है। अम्मा इतने बड़े शल्य चिकित्सक है अम्मा, जाने कितने राजा महाराजाओं महारानियों की शल्य चिकित्सा की होगी, कितना सारा धन अर्जित किया होगा। शारदा महोदया तुम्हें तो मैं सर से लेकर नख तक स्वर्ण से लाद दूंगा। हाँ हाँ अम्मा, तुम्हारी लाठी भी स्वर्ण की हो जाएगी, स्वर्ण की। रामा अब तो हम भी तेरे साथ वन चलेंगे। अरे चलना ही होगा, इतना बड़ा खजाना मैं अकेले लेकर कैसे आ पाऊंगा अम्मा। अरे ये क्या? अरे गुरुजी संयम रखिए, संयम रखिए गुरुजी, संयम रखिए। पंडित रामाकृष्ण, अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। गुरुजी भेद पता चल गया है ना? हाँ। तो चलिए यहाँ से। हाँ तो चलो, चल चल। अब तो हम भी गुरुवर को जिताने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। अम्मा शारदा की यही पुकार गुरुवर की जय जयकार, अम्मा शारदा की यही पुकार गुरुवर की जय जयकार, अम्मा शारदा की यही पुकार गुरुवर की जय जयकार। समस्या निकट रामा प्रकट, ये तो सुना था किंतु यहाँ तो खजाना निकट रामा प्रकट ये वाला कार्यक्रम चल रहा है। शिव 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 शिव, कितने लोग ही निकले पंडित रामाकृष्ण। आपसे कम क्या कहा? पंडित रामाकृष्ण गुरु जी कम है, वो चाहे दिमाग के कितने भी घोड़े दौड़ा ले किंतु आपसे बुद्धि में कम है और कम ही रहेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है गुरुजी कि आप उसे इस चाल में सफल नहीं होने देंगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। किंतु हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि पंडित रामाकृष्ण ने जो जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया है उसमें पंडित रामाकृष्ण स्वयं ऊब हो जाएं, ऊब हो जाएं, अरे फंस जाएं। बुद्धि भ्रष्ट जो है आपकी, अर्थात क्रोध मत कीजिए गुरुजी,
क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शांत मन से विचार कीजिए, शांत मन से कि ऐसा क्या करें। और आपका मन तो जब भी शांत होता है जब आपके पास सुदामिनी देवी होती है। सुदामिनी देवी क्या पंडित रामाकृष्णा ने आपके विरुद्ध ये चाल चली है? हाँ, और नहीं तो क्या? ढंग के लोग भी आकर इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं कि हमें चुनाव जीतवाकर स्वयं मालपुआ खाने के चक्कर में। उचित कह रहे हैं आप, जब धन की बात आई तो सबको भूल गए। हमें देखो, जैसे धन की बात आई सबसे पहले तुम्हारे पास चले आए, किंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पंडित रामाकृष्णा की इस चाल को पलटा कैसे जाए। हमारे पास एक युक्ति है जिससे उसका दाव उसी पर भारी पड़ जाएगा। हाँ, तो बिना विलंब किए वो युक्ति शीघ्र हमें बताओ, बताओ सौदामिनी बताओ। बस अब देखना, वो दिन दूर नहीं जब हम विजयनगर के सबसे धनवान व्यक्ति होंगे तथा चार्य। अब तुम देखना, हम तुम्हें सर से नख तक स्वर्ण से ढक देंगे। किंतु हमारे विवाह का क्या? हाँ, विवाह तो करेंगे, अवश्य विवाह करेंगे, इतनी धूमधाम से विवाह करेंगे समस्त विजयनगर में कोई भी विवाह नहीं हुआ होगा। इतनी धूमधाम? हाँ, इतनी धूमधाम होगी, इतनी धूमधाम होगी कि अपने विवाह में हम स्वयं उछल उछल के नाचेंगे। किंतु खजाना मिल जाने के पश्चात। सच? सचमुच। अब जो जितनी करेगा सेवा उतना पाएगा बेवा। बस अब हम देखते हैं कि पंडित रामाकृष्णा वन कैसे जाएंगे। वन तो हम ही जाएंगे। बोलिए राजगुरु तथाचार्य की, राजगुरु तथाचार्य की, राजगुरु तथाचार्य की, महादयालु महादानी राजगुरु तथाचार्य की, बोलिए राजगुरु तथाचार्य की, बोलिए। हमें जो सूचना मिली थी कि पंडित रामाकृष्णा गुरुवर के पक्ष में मतदान करने को कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? की विजयनगर का सौभाग्य है कि राजगुरु तथाचार्य जैसे धर्म कर्म के रक्षक उदार हृदय वाले सदैव विजयनगर का गौरव बढ़ाते ही रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए राजगुरु तथाचार्य की। क्षमा कीजिए पंडित रामाकृष्णा, परंतु हम यहाँ जो सब उपस्थित लोग हैं हम ये जानना चाहते हैं कि राजगुरु तथाचार्य तो आपके जो है प्रतिद्वंद्वी है, तो आप उनके गुणगान क्यों कर रहे हैं? मित्र, जो गुणों की खान हो कोई उनका गुणगान कैसे ना करे, है कि नहीं? हाँ, और आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? आम तो अवश्य खाएंगे, परंतु ये आम आवश्यकता से कुछ अधिक मीठे हैं। आप एक बात बताइए कि आपके कहने में आकर हम सब अपना अपना मत राजगुरु को क्यों दें, आपको क्यों ना दें? क्योंकि गुरुवर मुझसे आयु अनुभव संयम ज्ञान बुद्धि सब में बड़े हैं। वो अनुशासन प्रिय भी हैं और न्याय प्रिय भी। उनके हृदय में सदैव विजयनगर की भलाई का विचार ही रहता है। और अब जबकि हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय वापस आ गए हैं, तो महाराज का अनुभव और गुरुवर के ज्ञान का संगम विजयनगर को स्वर्णिम युग की ओर अवश्य ले जाएगा। इसलिए आप भी मेरे साथ कहिए राजगुरु तथाचार्य की जय। बोलो पंडित रामाकृष्णा जी की जय। बोलो पंडित रामाकृष्णा जी की जय।
अरे मेरी जय जयकार नहीं करनी है, गुरुवर की जय जयकार करनी है। आपकी जय जयकार यहाँ से नहीं, वहाँ से हो रही है। कहाँ? महाबुद्धिमान, महाज्ञानी प्रकांड पंडित विजयनगर के गौरव पंडित रामाकृष्णा जी की जय। जोर से बोलो पंडित रामाकृष्णा की जय। हृदय से बोलो पंडित रामाकृष्णा जी की जय। जोर से बोलो पंडित रामाकृष्णा जी की जय। महादानी महा उद्धार पंडित रामाकृष्णा जी की ओर से स्वर्ण मुद्रा की भेंट लीजिए और पंडित रामाकृष्णा जी के पक्ष में ही मतदान कीजिए। बोलिए पंडित रामाकृष्णा जी की जय। अब ये क्या हो रहा है, गुरुवर ने भी पंडित रामाकृष्णा की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या हारने के लिए? बोलो पंडित रामाकृष्णा की जय। हो अहो भाग्य हमारे, अरे साक्षात पंडित रामाकृष्णा जी के दर्शन हो गए, हम तो धन्य हो गए। पंडित रामाकृष्णा सदैव हमें अचरज में डाल देते हैं, किंतु अचरज से भी बड़ा अचरज आज हम देख रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई कि वो और गुरुवर एक दूसरे के विरुद्ध बोलने के स्थान पर एक दूसरे का गुणगान पंचम स्वर में क्यों कर रहे हैं। जय हो पंडित रामाकृष्णा की जय हो। ये किसका चित्र लगा रखा है? अरे जय हो। अरे आप क्या कर रहे हैं? जय हो, आप जैसे ज्ञान के सागर के सम्मान में स्तुति गा रहे हैं पंडित रामाकृष्णा जी। ना 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 गुरुवर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो वही बात हो गई जैसे सूर्य को दिया दिखाना, कहाँ आप और कहाँ मैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने पंडित रामाकृष्णा, कहा आप कहा हम। यदि मैं सितारा हूँ तो आप चंद्रमा है। ना 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 ना, यदि मैं चंद्रमा हूँ तो आप सूर्य है। यदि मैं सूर्य हूँ तो आप संपूर्ण सौर मंडल। यदि मैं संपूर्ण सौर मंडल हूँ तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। क्षमा कीजिए पंडित रामाकृष्णा, परंतु आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। हम यहाँ जो प्रजाजन एकत्रित हैं, हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा है, कहिए तो बोल दे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए अधिकतर चुनाव में ऐसा होता है कि प्रत्याशी अपनी प्रशंसा करता है, हाँ, अपनी योग्यता सिद्ध करता है, प्रजाजनों से विनती करता है कि वो उसे ही अपना मत दे। सत्य वचन। परंतु यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ तो आप दोनों एक दूसरे के लिए, जो कि एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, आप एक दूसरे के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम सब प्रजाजन भ्रमित होंगे कि नहीं? हम आप सभी के भ्रम को एक क्षण में दूर कर देंगे। हाँ। सत्यं धारयते पृथ्वी, सत्यं तप्त रवि, सत्यमेव वान्ति सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी का धरण होता है, सत्य से ही सूरज में तेज होता है, सत्य से ही वायु चलती है, और संसार में सब कुछ सत्य पर ही आधारित होता है। अतः यह सत्य है कि हम बुद्धिमान हैं, हैं, हम ज्ञानी हैं, हैं, हम योग्य हैं, हैं, किंतु पंडित रामाकृष्णा हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, हमसे अधिक ज्ञानी हैं। अतः यह विजयनगर का दुर्भाग्य होगा कि इन जैसा योग्य कर्मठ और यशस्वी पुरुष विजयनगर को त्याग कर वन की ओर चला जाए। ना 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 गुरुवर। हाँ। नरस्य विद्या रूपम धिकम। हाँ। अर्थात
मनुष्य का सबसे बड़ा गुण विद्या ही होती है और आप तो विद्या के गुणी हैं। किंतु आप तो महाबुद्धिमान, आप भक्ति के भंडार हैं, आप तो गुणों का भंडार, आप उदार हैं। अरे हम पर तो कईयों का उधार है, ये ज्ञान का सागर है। ना 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 ना, ना। मैं तो मात्र खाली गागर हूँ। इन पर देवी माँ की कृपा है, इन पर तो शिव जी की कृपा है। आप कर्तव्य का बहता झरना है। आप पर्वत तो मैं मात्र राई हूँ। यदि आप राई हैं तो मैं तो मात्र धूल का कण। आप एक युग और मैं मात्र एक क्षण हूँ। आप क्षण नहीं, आप तो सर्वगुण संपन्न है। आप एक चट्टान और मैं छोटा सा कंकड़ हूँ। आप कंकड़ नहीं, आप तो प्रजा के हृदय के कण कण में। मैं अबोध हूँ, मैं अनभिज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ। ये विजयनगर का दुर्भाग्य होगा कि इन जैसा गुणी व्यक्ति विजयनगर को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करे। ये तो अनुभव का वो वृक्ष है जिसकी छांव संपूर्ण विजयनगर को मिलनी ही चाहिए, इसलिए आप भारी मत से गुरुवर को ही विजयी बनाए। नहीं, आप पंडित रामकृष्णा जी को भारी मतदान से विजयी बनाए। ना 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 ना, राजगुरु को विजयी बनाए। नहीं, पंडित रामकृष्णा को भारी मतों से विजय बनाए। ना 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 ना, गुरुवर को विजयी बनाए। पंडित रामकृष्णा को, गुरुवर को, पंडित रामकृष्णा को, आपको, 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 आपको। अरे आप लोग कहाँ चल रही है? अरे रुकिए, अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए मेरी बात भूल मत जाइएगा। अरे हमारी बात सुनिए, अरे हमारी, रुक जाइए, रुकिए। पंडित रामकृष्णा, जीतेंगे तो आप ही और वन तो हम ही जाएंगे और वो खजाना भी हम ही पाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। गुरुवर, खजाने के लोभ में आप वन जाएंगे और फिर बड़ा पछताएंगे। पंडित रामकृष्णा, हम अकेले नहीं हैं। आपके पक्ष में मतदान करने को प्रजा को उकसाने हेतु कोई और भी है जो हमारी सहायता कर रहा है। ये रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि ये दो ज्ञानी क्यों कह रहे हैं स्वयं को अज्ञानी, क्यों कर रहे हैं ऐसा? सुनिए सुनिए, आप सब हमारी बात ध्यान से सुनिए। पंडित रामकृष्णा को हम खो नहीं सकते, हम सब अपना मत पंडित रामकृष्णा को ही देंगे। पंडित रामकृष्णा की जय, पंडित रामकृष्णा की जय। तुझे क्या ज्ञात तो ज्ञानी है या नहीं है? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। वो उतना ज्ञानी नहीं है जितने की गुरुवर तथाचार्य जी हैं। अतः अपना मत गुरुवर तथाचार्य जी को ही देना। अपना अपना मत पंडित रामकृष्णा को ही देना। महिलाओं के अधिकार के लिए वो सदैव खड़े रहे हैं। क्या महिला, महिला हम भी महिला है? हमारा दुख तो दूर नहीं कर पाते वो, और जो अपनी पत्नी की पीड़ा को ना समझे वो आपकी पीड़ा को क्या समझेंगे? हाँ, अतः अपना मत भूल से भी उन्हें मत देना। अम्मा शारदा की यही पुकार, गुरुवर की जय जयकार। हाँ। की यही पुकार, पंडित रामकृष्णा की जय जयकार, जय जयकार। गुरुवर की जय जयकार, पंडित रामकृष्णा की जय जयकार। पुरुष ही नहीं, यहाँ तो महिलाओं में भी पंडित रामकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ। अब समय आ गया है जब इस विषय पर इन दोनों से सीधा संवाद किया जाए। विजयनगर को धर्म और नीति का मार्ग गुरुवर ही दिखा सकते हैं। महाराज, विजयनगर को पंडित रामकृष्ण के ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है। महाराज, गुरुवर विजयनगर के राजगुरु हैं, ये भला वन कैसे जा सकते हैं? महाराज, पंडित रामकृष्ण आपके मुख्य सलाहकार हैं, ये वन कैसे जा सकते हैं?
आप वन कैसे जा सकते हैं? आप वन कैसे जा सकते हैं? मैं वन जाऊंगा। आप वन नहीं जा सकते, हम वन जाएंगे। मैं वन जाऊंगा। वन तो हम जाएंगे। मैं वन जाऊंगा। हम जाएंगे। मैं वन जाऊंगा। हम जाएंगे। मैं, हम, मैं, बस। बहुत हुआ, अचंभित हैं हम। एक और विजयनगर में इस बात के लिए मतदान कराया जा रहा है कि आप दोनों में से कौन विजयनगर में ही रहेगा और कौन गुरुजी के साथ वन की ओर प्रस्थान करेगा। और वहीं आप दोनों ही वन जाने के लिए अति उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। महाराज, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को बगुले की भांति भ्रम तो नहीं हो गया कि जंगल में कोई खजाना छुपा है जो इन्हें मिल जाएगा। हमें भली भांति ज्ञात है कि आपके पास कौन सा खजाना है और हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। गुरुवर तथाचार्य पंडित रामाकृष्ण महाराज, हमें तो ऐसा लगता था कि आप दोनों में से कोई भी कभी भी हमें या हमारे विजयनगर को छोड़कर जाने के विषय में सोचेगा भी नहीं, परंतु हमारी आशा के विपरीत आप दोनों ही वन जाने के लिए अत्यंत उत्सुक दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है महाराज, मैं तो आपसे और विजयनगर से स्वयं से बढ़कर प्रेम करता हूँ। महाराज, ये हम ही जानते हैं या भगवान शिव जानते हैं कि हम अपने हृदय पर कितना भारी पत्थर रखकर वन जा रहे हैं, क्योंकि महाराज आपका वचन मात्र आपके लिए नहीं अभी तो हमारे लिए भी सम्मान का प्रश्न है और हम उसकी लाज अवश्य रखेंगे। हम आपके वचन का महत्व तो समझते हैं महाराज, जिसे हम कदापि खंडित नहीं होने देंगे। महाराज, मुझे भी आपके दिए हुए वचन की चिंता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गुरुवर यहीं विजयनगर में रहकर आपकी सेवा करें और अपने धर्म कर्म के कार्य से विजयनगर का कल्याण करें। पंडित रामकृष्णा, हम अपने धर्म और भक्ति की शक्ति से वन में रहकर भी महाराज और विजयनगर का कल्याण कर सकते हैं, किंतु आप जैसे परम मित्रों को भिन्न नहीं कर सकते। आप दोनों की मित्रता अविस्मरणीय, अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत। आप दोनों की मित्रता प्रेम का एक जीवित उदाहरण है। अतवन तो हम ही जाएंगे, जाएंगे और अवश्य जाएंगे। महाराज, कृपया आप हमें अभी इसी क्षण गुरुजी के साथ वन की ओर प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। गुरुजी आइए। उत्साहित तो हम भी है महाराज, वन जाकर सर्वप्रथम इनकी मेंढक जैसी सूरत को ठीक करके ये ऐसा बनाना है। खजाना प्राप्त करने हेतु हमें ऐसी सूरत भी स्वीकार है। वाह वाह वाह, कितना सुंदर चित्र बनाया है आपने हमारा। गुरुवर, आपकी सूरत भला ऐसे कैसे हो सकती है? शिव जी की कृपा से आपके मुख के तेज का क्या? अरे छोड़िए छोड़िए पंडित रामकृष्णा, जब हमें आपत्ति नहीं है आपको क्या आपत्ति है? महाराज, आप चुनाव रद्द करवा दीजिए, हम वन जाने के लिए तैयार हैं। नहीं गुरुवर, उद्घोषणा हो चुकी है, इसलिए मतदान भी होकर रहेगा। अब देखना यह है कि विजयनगर की प्रजा आप दोनों में से किसे अधिक मत देकर विजयी बनाती है और किसे अल्प मत देकर पराजित करती है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। संभल कर पंडित रामकृष्ण, अभी टकरा जाते हैं आप। गुरुवर, क्रोधित क्यों हो रहे हैं? टकराया तो नहीं ना? आप तो मुझे एक बात बताइए। हाँ। आप ये बताइए कि आपको वृक्ष पर चढ़ना तो आता है ना? हैं? हमको वानर हैं जो वृक्ष पर चढ़ेंगे? गुरुजी, वृक्ष पर चढ़ना आपको आता होगा ना? जो
आप हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं ना। अरे तो हम कौन सा सदैव के लिए जा रहे हैं? डेढ़ दो महीने में वापस लौट आएंगे। हैं? भागकर? नहीं, उड़कर। भागकर क्यों आएंगे? अभी अभी आपने कहा ना कि आप डेढ़ दो माह में वापस आ जाएंगे, तो मुझे लगा कि वन की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर भाग कर वापस आ जाएंगे। हमें मूर्ख बना रहे हैं। बताइए ना गुरुवर, आप डेढ़ दो माह में वन से वापस कैसे आएंगे? देखिए, प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, क्या शिवजी अब तक क्रोधित है? क्योंकि वे मंदिर लौट के नहीं आए। ओह, ये विचार तो मैंने किया ही नहीं कि यदि शिवजी की मूर्ति मंदिर में वापस नहीं आएगी तो प्रजा गुरुवर के ही पक्ष में मतदान करेगी। नहीं, हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो वापस लौट आए। प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, चुनाव में तो आप ही विजयी होंगे और जिसके परिणाम स्वरूप वन मुझे ही जाना होगा, क्योंकि विजयनगर की प्रजा आप जैसे शिव भक्त को चुनाव में पराजित करवा के शिवजी को और क्रोधित थोड़ी ना करेंगे, वो तो अपना मत आपको ही देंगे। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, भगवान शिव कब आएंगे? आएंगे आएंगे, अवश्य वापस आएंगे, क्योंकि आप सब गुरुवर को अपने भारी मतों से विजयी जो बनवाने वाले हैं। किंतु ध्यान रहे, यदि आप लोगों ने अपना मत गुरुवर को नहीं दिया तो शिवजी और क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगलू, कल रात्रि भगवान शिव पुनः हमारे स्वप्न में पधारे थे और हमसे कहा कि हम प्रजा से अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि आप सब हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं। अतः वो ये चाहते हैं कि आप सब पंडित रामाकृष्णा को भारी मतदान से विजय बनाकर हमें वन में भेज दें। मैं नहीं मानता गुरुवर, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शिवजी मंदिर वापस लौट कर नहीं आ जाते। ये बात तो सर्वथा सत्य है। हाँ? गुरुवर, हमने तो तय कर लिया है कि हम आप ही को मत देकर विजय बनाएंगे। चलो चलो भाई, ये तय रहा। जय जय बम भोले, जय जय बम भोले। ए मूर्ख, जब तुम दोनों को पता चल गया था कि वन जाने में ही हमारा लाभ है, तो तुम दोनों ने भगवान शिव की मूर्ति अब तक मंदिर में वापस क्यों नहीं रखी? क्षमा गुरुजी, क्षमा, आज हम रख देंगे। अरे आज, आज नहीं, अभी। कल तो चुनाव है, उससे पूर्व हमें सबको विश्वास दिलाना है कि भगवान शिव क्रोधित नहीं है और वो चाहते हैं कि हम ही बन जाएं। अतः वो सब पंडित रामाकृष्णा के पक्ष में मतदान करें। समझे? समझे समझे। उन्हें समझाएं। समझे समझे, अच्छे से समझे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, भगवान शिव अब क्रोधित नहीं हैं, वो पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। देखिए देखिए, बोलो जय शिव शंभो। जय शिव शंभो। भगवान शिव स्वयं चाहते हैं कि हम गोपाल कृष्ण जी जैसे महान गुरु जी की सेवा हेतु वन की ओर प्रस्थान करें, इसलिए आप सब पंडित रामाकृष्णा जी को विजयी बनाए। हाँ हाँ, हमारे गुरुजी गोपाल कृष्ण जी की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ, और वो भी निस्वार्थ भावना से करेंगे, बदले में फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे। है? क्या है? ऐसे समाज सेवक संत स्वरूप गुरुजी की सेवा करने का अवसर हमें भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त हो रहा है। जय भोले भंडारी। इसलिए आप सब हमें भारी, बहुत भारी, अत्यंत भारी मतों से पराजित करें, ताकि हम गुरु जी की सेवा करने का अमृत चख सके। हर हर महादेव। देखिए, दो महान गुरुओं का मिलन हो रहा है। अब दो महापुरुष आपस में संवाद करना चाहेंगे। अतः आप सब लोग प्रस्थान कीजिए यहाँ से।
राजगुरु तथा चार, आपकी भावनाओं को शब्दों के रूप में सुनके हमारा हृदय द्रवित हो गया। हाय, हम आपको कछुआ समझते थे। किंतु कल तक तो आप हमारे गुरुजी को मेंढक कह रहे थे। चुप करो नेवलो। किंतु आप तो कबूतर निकले। गुरुजी ये नेवले नहीं, ये तो गधे हैं। नहीं, आपके कथा अनुसार नेवले हैं। किंतु आप चिंतित ना हो, हम आपको हमारी सेवा का मौका अवश्य देंगे। आप हमारे लिए भोजन पकाएंगे। हैं? हम भोजन? हाँ, पहाड़ी के उस पार जाके नदी से हमारे लिए जल लाएंगे। हम जल लेकर आएंगे? हाँ, आप हमारे लिए साफ सफाई करेंगे, हमारे पांव दबाएंगे, हमारे वस्त्र धोएंगे, आप हमारे बर्तन धोएंगे। इस तरह के भांति भांति की सेवा करने का अवसर हम आपको देंगे। सेवा नहीं, हम तो मेवा के लिए जा रहे हैं। अब इन्हें क्या पता कि हमें खजाने के विषय में सब ज्ञात है कि वो खजाना ये हमें सौंपने वाले हैं। किंतु राजगुरु तथाचार्य, आप वन में पशुओं के साथ रह पाएंगे? आप कहें और हम ना रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे आश्रम में बकरी है, अश्व है, गाय है, भैंस है, हिरन है और एक तेंदुआ भी है। वहां आकर उसे भोजन भी आप ही को कराना है। हैं? हे प्रभु, कहीं उसने हमें भोजन समझ लिया तो क्या करेंगे? गुरुजी, हम आपकी सेवा हेतु अपने साथ 10-20 सेवक भी ले चलेंगे। किंतु उनका वेतन कौन देगा? आपके पास एक बड़ा खजाना है। खजाना? कैसा खजाना? क्या? हमारे आश्रम में बकरी है, अश्व है, गाय है, भैंस है, हिरन है और एक तेंदुआ भी है। बड़ा ही प्यारा तेंदुआ है, वो शुद्ध शाकाहारी। वहां आकर उसे भोजन भी आप ही को कराना है। हैं? हे प्रभु, कहीं उसने हमें भोजन समझ लिया तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं गुरु जी, हम आपकी सेवा हेतु अपने साथ 10-20 सेवक भी ले चलेंगे। 10-20 सेवक? किंतु उनका वेतन कौन देगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरु जी? हैं? आपके पास इतना बड़ा खजाना है और आप वेतन की चिंता कर रहे हैं? अवश्य हमारे पास जड़ी बूटियों का और शैल्य चिकित्सा की ज्ञान का खजाना है, किंतु आपके उन सेवकों को उस खजाने में कहाँ रुचि होगी? उन्हें तो धन चाहिए होगा जो हमारे पास है नहीं। बड़ा हास्य विनोद का स्वभाव है आप। किंतु हम आपको बता दें, हमें सब ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको? वही जो आप हमें नहीं बता रहे। क्या नहीं बता रहे हम? उसी के बारे में। किसके बारे में? वही जो आप हमें सौंपना चाहते हैं। क्या सौंपना चाहते हैं हम? अरे वही खजाना। खजाना? कैसा खजाना? अरे गुरु जी, आपने कितने राजा महाराजा महारानियों की शल्य चिकित्सा की, सबसे आपने हीरे जवाहरात स्वर्ण चांदी स्वर्ण मुद्राएं और ना जाने क्या क्या अर्जित किया है। आप हमें वन ले जाकर अपना उत्तराधिकारी बनाकर वो सब हमें सौंपना चाहते हैं। क्या गर्दब जैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे पास कोई खजाना नहीं है। अरे हम तो समाज सेवक हैं, हम तो शल्य चिकित्सा भी निशुल्क करते हैं। अब हमारी समझ में आ रहा, तुम खजाने के लोभ में आकर हमारे साथ चलना चाहते हो, हमारी सेवा का ढोंग रच रहे हो तुम। अरे ढोंग तो आपने रचा है। खजाना है, खजाना है, खजाना है, ये सब क्यों कहा आपने जब खजाना है ही नहीं? अरे हमने कब कहा आपसे कि हमारे पास कोई खजाना है? उपहास किया है किसी ने आपके साथ, किसी ने आपको मूर्ख बना है जो कि आप पहले से ही है। हमारे पास कोई खजाना होता तो हम महाराज से 2 सेवक क्यों मांगते? किंतु अब तो हम आपको वन लेकर ही जाएंगे। अरे चुप करिए आप, बड़े आए हमसे सेवा करवाने वाले। अरे लोग हमारी सेवा करते हैं, आप हमसे सेवा करवाएंगे? हम शिव भक्त हैं, अपने मंत्रों की शक्ति से अभी इसी क्षण आपको भस्म कर देंगे। किंतु हम आपको भस्म नहीं करेंगे, भगवान शिव आपको भस्म करेंगे। तुम्हारा इतना साहस, तुम हमसे दुष्ट भेड़िया की भांति बात करो। अरे हाँ, भेड़िया, भेड़िया। अब तो हम चुनाव जीत कर ही रहेंगे।
अवश्य जीतेंगे हम चुनाव। और वन तो अब वही चाहेगा जिसने हमारे साथ ये छल किया है, अर्थात पंडित रामा कृष्णा। ये खाइए, आपके पसंद के पकवान बनाए हैं, पेट भर के खाइए। आई तो रहा हूँ शारदा, किंतु एक बात बताओ, इतने सारे पकवान बनाए क्यों? आज कोई त्योहार है क्या? त्योहार तो प्रतिदिन अब मनेगा। हम सब बन जाएंगे, फिर हमें खजाना मिलेगा, हम सब धनवान बनेंगे। अरे क्या हुआ? जल पीजिए, पीजिए, ये लीजिए, जल लीजिए। रामा सोच ले, जब इन दोनों को सच पता चलेगा कि कोई खजाना मिलने वाला नहीं, तब ये तेरा क्या हाल करेंगे। पंडित रामाकृष्णा, ओ पंडित रामाकृष्णा। अरे गुरुवर प्रणाम, आप यहाँ? हम, वही हम जिसके साथ आपने बहुत बड़ा छल किया है, वही हम जो आपकी बातों में आकर आपको जिताने के लिए प्रजा से विनती कर रहे हैं। किंतु अब हमें सत्य पता चल चुका है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरे रामा से दूर रहो, जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो, उस पर आरोप पड़ते रहते हो। आरोप नहीं मन रहे हैं हम, सत्य कह रहे हैं। छल किया इन्होंने हमारे साथ, हमारे साथ ही क्या, आप दोनों के साथ भी छल किया है। हम तो इनके सगे संबंधी नहीं है, किंतु आप तो इनकी अम्मा हैं, आप इनकी पत्नी हैं, आप दोनों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। गुरुवर क्या कह रहे हैं आप, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाए, बोलती बंद हो गई? बोलिए, बताइए, इन लोगों को भी बताइए कि आपने इन दोनों को भी हमारी भांति खजाने का झूठा स्वप्न दिखाया है, जबकि सत्य में कोई खजाना है ही नहीं। क्या? कोई खजाना नहीं है? नहीं है। रामा, ये गुरुवर क्या कह रहे हैं? क्या बोलेंगे ये, इनकी तो हो गई जाएं जाएं। बोल, बोलता क्यों नहीं कि सत्य क्या है? माँ मेरी बात सुनो। आप सत्य ही सुनूंगी मैं। बापरे, छोड़ी मत। अरे अम्मा लग जाएगी, अम्मा 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 सुनो सुनो सुनो, अरे अम्मा लग जाएगी, अरे बचाओ अम्मा, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। रुकिए रुकिए, रुक 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 जाइए, रुक जाइए, हम आपको सत्य बताते हैं। विश्वास कीजिए, कोई खजाना बजाना नहीं है, मात्र इनकी चाल थी ताकि हम ये सोचें कि हम गुरुजी के साथ वन में जाएंगे, गुरुजी हमें खजाना देंगे। अर्थात स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपने हमारे साथ छल किया, अम्मा हमारी ओर से दो डंडे और लगाइए, इन्हें लगाइए, लगाइए। नहीं अम्मा, अम्मा लग जाएगी। अरे अम्मा, बस बस बस। क्यों पंडित रामा कृष्णा, उल्टी पड़ गई आपकी चाल। पंडित रामा कृष्णा, आपने सोचा था कि हमें खजाने के सच के विषय में पता नहीं चलेगा और इस कारण से हम विजयनगर की प्रजा से कहेंगे कि पंडित रामा कृष्णा को भारी मत से विजय बनाए, और आप जीत कर विजयनगर में रहें और हम पराजित होकर वन में चले जाएं। धोखा दिया आपने हमें, धोखा दिया है इन्होंने हमें। अच्छा, मैंने धोखा किया है तो आपने क्या किया गुरुवर? आपने अपनी अस्वस्थता का झूठा बहाना बनाकर महाराज को धोखा नहीं दिया? आपने ये कहकर कि शिवजी क्रोधित होकर मंदिर त्याग करके चले गए हैं, प्रजा के साथ छल नहीं किया? कोई छल नहीं किया हमने, कोई छल नहीं किया। चलिए मान ली हमने आपकी बात की, भगवान शिव की बात हमने चुनाव जीतने के लिए कही, किंतु क्यों कही? क्यों हम चुनाव जीतना चाहते हैं? क्यों हम वन नहीं जाना चाहते हैं? कभी सोचा है आपने? क्या लगता है पंडित रामाकृष्णा कि हम भोग विलास राजसी ठाट बाट का आनंद लेने के लिए विजयनगर में रहना चाहते हैं? नहीं,
अरे पंडित रामाकृष्णा, आप तो जड़ी बूटियों का सेवन कर करके अभी तक युवा आए, स्वस्थ हैं, किंतु हम तो जड़ी बूटियों का सेवन नहीं करते, आयु हो गई है हमारी। कभी सोचा है आपने इस विषय में? हम इस कारण वन में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि हम वन में जाकर लकड़ियां काटें, नदी से जल लेकर आए, पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ें, भोजन पकाएं, बर्तन साफ करें, कपड़े साफ करें। हमारा शरीर थक चुका है। सोचा है कभी आपने इस विषय में? वृद्धावस्था हम पर हावी हो चुकी है। विवश है पंडित रामाकृष्णा, और आप हमारी विवशता का लाभ उठा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा पंडित रामाकृष्णा, एक बात तो निश्चित है, यदि हम वन में गए तो शीघ्र अति शीघ्र आपको हमारी मृत्यु का समाचार भी प्राप्त होगा। और हम अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते, हम विजयनगर का स्वर्णिम युग देखना चाहते, हम अपनी पुत्री आम्रपाली का विवाह करवाना चाहते, महाराज की सेवा करना चाहते हैं हम। एक बात स्मरण रहे पंडित रामाकृष्ण, यदि हम वन में गए और वन में जाकर हमें कुछ भी हुआ, उसका कारण आप होंगे। आप ही होंगे पंडित रामाकृष्ण। सारी स्वर्ण मुद्राएं, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए, हम तो आपको कंजूस समझते थे। कंजूस क्या, मच्छी चूस, परंतु आप तो उदार निकले। और उदारता की पराकाष्ठा तो देख मनी, गुरुजी वन जाने से पूर्व अपनी सारी संपत्ति हमें सौंप के जा रहे हैं। हमें वन भेज दें, पंडित रामाकृष्ण में वो सामर्थ्य नहीं है। यदि वो चाल चल सकते हैं तो हम उनकी चाल को पलट सकते हैं। चुनाव में वो हमें हरा दें ऐसा हो नहीं सकता, और वो जीत जाए ऐसा हम नहीं होने देंगे। धनीमणि जी, गुरुजी, करना क्या है, ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाओ और मतदान के समय प्रजा में बांट दो, और उसे कहो यदि हम विजयी हुए तो उन्हें दो गुनी स्वर्ण मुद्राएं और देंगे। अब देखते हैं कि विजयनगर से कौन जाता है। पंडित रामाकृष्णा जी और राजगुरु तथाचार्य जी के मध्य होने वाला चुनाव प्रारंभ हो रहा है। अब तक की मतगणना के अनुसार पंडित रामाकृष्णा को 100 मत और राजगुरु तथाचार्य जी को मात्र 80 मत प्राप्त हुए हैं।
और अब पंडित रामाकृष्णा जी 20 मतों से बढ़ोतरी बनाए हुए हैं। शिव 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 जी, हम पर कृपा करो, हमारे मटके पर कृपा करो, अर्थात हमारे मटके को मतों से भरवा दो। सुनिए महोदय, हमारे गुरु राजगुरु तथाचार्य को ही अपना मत दीजिएगा। यदि राजगुरु जी विजयी बने तो 2 स्वर्ण मुद्राएं और देंगे। 2 स्वर्ण मुद्राएं। अभी देखो, एक स्वर्ण का सिक्का तो अभी दे रहे। पकड़ पकड़ो। ध्यान रहे, जैसा कहा है वैसा ही करना। राजगुरु तथाचार्य को ही मत देना। चल। पंडित रामाकृष्णा जी को अब तक कुल 500 मत प्राप्त हुए हैं और राजगुरु तथाचार्य जी को 450 मत। हाय। बड़ी महारानी की जय हो। बड़ी महारानी की जय हो। बड़ी महारानी की जय हो। गई सठियाई बुढ़िया। अरे हम तो आंखें बंद कर लेंगे, हमें पता है कहां पे मत डालने वाली है। अरे, पुनः मतदान की पंक्ति में कैसे प्रवेश कर रहे हैं आप? ए, क्या कर रही हैं आप? ये देखिए, 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 देखिए। एक बार मतदान करने के पश्चात पुनः प्रवेश निषेध है। चलिए अपने स्थान पर जाइए। हटिए, निकलिए। जाइए, जाइए, जाइए। आपसे क्या रहे आप माजे? रहे आपसे, पुनः प्रवेश निषिद्ध है, अपने स्थान पर जाइए। निकलिए, निकलिए वहां से। चलिए चलिए चलिए, ये चतुराई मत दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए, एक तो चतुराई करती है और हमें डंडा दिखाती है। शांत हो जाओ अम्मो। गुरु कौन है? आप पहले मत कौन करेगा? आप तो पीछे हटो गधे। मतदान जैसे जैसे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पंडित रामाकृष्णा गुरुवर तथाचार्य से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर, क्योंकि जहां पंडित रामाकृष्णा को 15 सहस्त्र
200 मत प्राप्त हुए हैं तो वहीं राजगुरु तथाचार्य जी को 15,300 मत प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ राजगुरु तथाचार्य 100 मतों से बढ़ोतरी पर हैं। गुरु जी नियंत्रण में रहिए, ये सब आपको शोभा नहीं देता। और अब अंतिम चरण की मतगणना प्रारंभ हो रही है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आगे से हटिए, मुंह देखने तो दीजिए। और अब परिणाम की घोषणा का समय हो गया है, तो अब पता चलेगा कि किसको कितने मत मिले हैं, इस चुनाव में कौन विजयी हुआ है और कौन पराजित। तो राजगुरु तथाचार्य जी को 15,600 मत प्राप्त हुए हैं और पंडित रामाकृष्ण जी को 15,000। अब परिणाम की घोषणा का समय हो गया है। तो राजगुरु तथाचार्य जी को 15,600 मत प्राप्त हुए हैं और पंडित रामाकृष्णा को 15,600 ही मत प्राप्त हुए। दोनों को बराबर प्राप्त हुए। तो दोनों को समान मत प्राप्त हुए। महाराज बताइए अब कैसे निर्णय लेंगे, कौन जाएगा हमारे साथ वन में? गुरुदेव यह निर्णय लेना तो अत्यंत कठिन है क्योंकि दोनों को ही समान मत प्राप्त हुए हैं। महाराज मतदाताओं की सूची देखने पर हमें यह ज्ञात हुआ है कि कुल मतों में से कोई एक मतदाता ऐसा है जिसने अभी तक अपना मत नहीं दिया है और अब उसके एक मत से ही ये निर्णय होगा कि चुनाव का विजेता कौन है। क्या आप क्या कह रहे हैं, कौन है वो जिसने अपना मतदान अभी तक नहीं किया है? मैं हूं महाराज। पंडित रामाकृष्ण का मत देना विशेष है। ये आप क्या कह रहे हैं, आपने अभी तक अपना मतदान नहीं किया और कर भी नहीं सकते महाराज क्योंकि चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। हाँ गुरुवर, परंतु आप दोनों बराबर स्थान पर हैं और किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें एक मत की आवश्यकता है और वो एक मत पंडित रामाकृष्णा का है। जी महाराज, इनका मत मान्य नहीं होगा क्योंकि मतदान का समय समाप्त हो चुका है। नहीं गुरुवर, अभी भी कुछ क्षण शेष हैं। पंडित रामाकृष्णा जी आप बिना विलंब किए मतदान दीजिए ताकि चुनाव का विजेता घोषित किया जा सके। महाराज कुछ कहिए, कुछ करिए, ये सही नहीं हो रहा है महाराज। पंडित रामाकृष्ण अपने पक्ष में मतदान करेंगे और हम पराजित हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम विजयनगर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम विजयनगर छोड़कर वन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ शांत हो जाइए गुरुवर। हाँ।
मेंढक रहेगा। पंडित रामाकृष्णा जी मतदान दीजिए। ये सब होते हुए हम नहीं देख पाएंगे। और पंडित रामाकृष्णा जी के इस मत के पश्चात यह चुनाव संपन्न हुआ और इस एक मत से राजगुरु तथा आचार्य जी इस चुनाव के विजेता हुए। पंडित रामाकृष्णा ने ऐसा क्यों किया? अवश्य इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ होगा। पंडित रामाकृष्णा, आपने अपना मत हमें दे दिया, क्यों? ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? कहीं सत्य में गुरुजी के पास खजाना तो नहीं है? यदि ऐसा हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं पंडित रामाकृष्णा। गुरुवर, सत्य तो यही है कि आप और मैं वैसे भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम जो करते हैं, क्यों? पंडित रामाकृष्ण, हमारे साथ साथ यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही कौतूहल है कि आपने अपना मत स्वयं को ना देकर गुरुवर को क्यों दिया? महाराज, सत्य तो ये है कि मैं वन जाना नहीं चाहता था। सत्य ये भी है कि मैं आपसे और विजयनगर से असीम प्रेम करता हूँ। और ये भी सत्य है कि मैं स्वार्थ के पुष्पों को गूंथ कर वो विजय माला अपने गले में नहीं डाल सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज कि मैंने जो कुछ भी किया उचित किया। कैसे उचित है बताइए। गुरुवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपकी अस्वस्थता से अनभिज्ञ होकर मैंने आपको अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। किंतु सत्य तो यह है कि सच में मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि आपका वन जाना और वहां जीवन यापन करना आपके लिए इतना कष्टकर होगा। साथ ही साथ आपका धन्यवाद कि आपने कल मेरे आवास आकर क्रोधवश ही सही अपने स्वास्थ्य के विषय में बताया और वन जाने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैं भला सब कुछ जानकर आपको वन कैसे जाने दे सकता हूं गुरुवर? मैं गुरुवर कहता हूं आपको, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन आप नहीं, मैं जाऊंगा। महाराज, गुरुवर स्वयं के आयु के विषय में बात होती देख और स्वयं को वृद्ध कहलाता देख अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि गुरुवर मुझसे आयु में बड़े हैं, वृद्ध है। वन में जीवन बिताना इनके लिए प्रताड़ना समान होता, और मैं अपने पिता तुल्य गुरुवर को प्रताड़ित होते नहीं देख सकता। क्यों गुरुवर, वृद्ध तो आप हो गए हैं ना? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। आप जैसा सेवक पाकर हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है जितनी एक भालू को मद पाकर होती होगी। वाह! तो महाराज, ये तय हो गया कि हमारे साथ वन में पंडित रामकृष्ण जाएंगे। पंडित रामकृष्ण, हमें गर्व है आप पर, और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार का निर्णय केवल आप ही ले सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। हमें आप बहुत याद आएंगे। यही नियति है महाराज,
चलिए पंडित रामकृष्ण, आप विलंब ना करें, अपना सामान तैयार कर लीजिए। संध्या होने पर हमें वन की ओर प्रस्थान करना है। अवश्य गुरुवर, किंतु जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अवश्य मांगिए, किंतु ये ना मांग लीजिएगा कि आप विजयनगर में रहना चाहते। नहीं नहीं, वो नहीं मांगूंगा। महाराज स्वयं आपको गुरुजी कहते हैं, आप महाराज के गुरु हैं। आपने महाराज के प्राणों की रक्षा की, इन्हें नया रूप नई पहचान भी दिलाई। बस यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव महाराज पर बना रहे, जीवन भर आपकी छत्र छाया महाराज और विजयनगर के इस महल पर सदैव बनी रहे, बस यही वचन चाहिए। अरे पंडित रामकृष्ण, ये भी कोई कहने की बात है? हमारा आशीर्वाद तो सदैव महाराज के साथ है ही, फिर भी हम आशीर्वाद और वचन देते हैं कि महाराज पे और इस महल पे हमारी छत्र छाया सदैव रहेगी। अब आप अपने निवास स्थान पर जाइए और जो भी सामान लेना हो ले लीजिए, क्योंकि संध्या होने पर हमें यहाँ से वन की ओर प्रस्थान करना है। जी जी अवश्य। दोनों महिलाएं बिल्लियों की भांति विलाप क्यों कर रही? क्योंकि इन दोनों बिल्लियों में से नहीं, मेरे कहने का अर्थ है इन दोनों महिलाओं में से ये मेरी अम्मा है और ये मेरी पत्नी है, ये दोनों भी हमारे साथ वन की ओर प्रस्थान करेंगी। अति उत्तम, यानी एक सेवक के साथ दो सेविकाएं, यानी एक बंदर के साथ दो लोमड़िया। नहीं, आप लोमड़ी नहीं, आप सिंहनी। आपका भी रूप परिवर्तन करना होगा। आपको हम हंसनी की भांति बनाएंगे और आपको मोरनी की भांति। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, हमने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, वन में जाते हुए मार्ग में खा लीजिएगा। आप क्यों इतना कष्ट देती हैं? क्या लेती हैं? छोटी महारानी जी, आप स्वयं इतना कष्ट क्यों लेती हैं हमारे लिए, है ना? यही तो हमारा बड़प्पन है। पंडित रामकृष्ण, आपके बिना तो विजयनगर एकदम सूना हो जाएगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मित्र के वियोग में रहेंगे कैसे। आप बहुत याद आएंगे मित्र। मुझे भी महाराज, अब तो आपकी स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार बनेंगी। आप अपना ध्यान रखना। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपका जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। माना आप में सैकड़ों बुराइयां हैं, किंतु आप इतने बुरे हैं नहीं। हमें जानते हैं आपके बिना 20 वर्ष कैसे बिताए थे हमने। आपसे वाद विवाद किए बिना हमारा भोजन नहीं पचता है। उचित है गुरुवर, यदि इतना ही कष्ट है तो मेरे स्थान पर आप वन चले जाइए ना। उपहास करना नहीं छोड़ेंगे ये। चलिए पंडित रामकृष्ण, प्रस्थान का समय हो गया, महाराज अनुमति दीजिए। रुकिए गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? कृपया करके पीछे आइए, पीछे आइए। पीछे? पीछे क्यों? अरे आप आइए तो सही, पीछे आइए। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? देखिए पंडित रामकृष्ण, वन की ओर जाने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना होगा, ना कि पीछे की ओर। आपका कथन सत्य है, किंतु किंतु परंतु कुछ भी नहीं। फूर्ति दिखाइए, हिरण की भांति। चलिए 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 चलिए। देखिए आप क्रोधित मत होइए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ते हैं तो आपके साथ साथ आपकी छाया भी आगे बढ़ने लगती है। पंडित रामकृष्ण, क्या मेंढक की भांति बातें कर रहे हैं आप? हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य हमारी छाया आगे बढ़ेगी, क्यों महाराज? आपका कथन उचित है गुरुजी, परंतु पंडित रामकृष्ण कोई भी बात अकारण नहीं करते। पंडित रामकृष्ण, कृपया स्पष्ट रूप से बताएं आप कहना क्या चाहते हैं।
महाराज, मैं तो केवल इतना सा कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जैसे ही गुरुजी महल से आगे की ओर बढ़ते हैं, इनके साथ साथ इनकी छाया भी बढ़ने लगती है, जो कि नहीं होना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, हम भी वही कहना चाहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी छाया ही आगे बढ़ेगी, ना कि इन मेंढक के शक्ल वाले राजगुरु तथाचार्य। पंडित रामकृष्ण, हम सब भली भांति जानते हैं कि आपको पहेलियां बुझाने की आदत है, परंतु ये समय पहेलियां बुझाने का नहीं। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं आपका अभिप्राय क्या है। अभिप्राय नहीं महाराज, अभिव्यक्ति। मैं तो केवल अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ कि जो मनुष्य वचन का इतना मान सम्मान करता हो, जो दूसरों को वचनबद्ध होने का स्मरण करवाता हो, वो भला स्वयं का दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकता है। आप किस वचन की बात कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? गुरु जी के वचन की, बड़ी महारानी। जीवन भर आपकी छत्र छाया महाराज और विजयनगर के इस महल पर सदैव बनी रहे, बस यही वचन चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव महाराज के साथ है ही, फिर भी हम आशीर्वाद और वचन देते हैं कि महाराज पे और इस महल पे हमारी छत्र छाया सदैव रहेगी। तो गुरुजी, मैं तो आपको आपका वचन तोड़ने से ही रोक रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप महल से आगे बढ़ते हैं, आपके साथ साथ आपकी छाया भी महल से दूर होने लगती है। देखिए, मैं वन जाने को तैयार हूँ, किंतु आपको अपनी छाया यही महल में छोड़कर जानी होगी। हाँ पंडित रामकृष्ण, ये हमारी छाया है, कोई सर्प की केचुई नहीं जिसे वो त्याग दे। भला कोई मनुष्य अपनी छाया कैसे त्याग सकता है। अब ये तो आपको वचन देने से पूर्व विचार करना चाहिए था ना गुरुजी। जिस प्रकार महाराज ने अपने वचन की लाज रखी, उसी प्रकार आप भी अपने वचन की लाज रखिए। क्यों अम्मा? पंडित रामकृष्ण, हमने आपके बारे में सत्य ही सुना है। आप में लोमड़ी की बुद्धि है, चीते की चतुराई है और तोते का ज्ञान है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। अब हमारी समझ में आ रहा कि महाराज आपको हमारे साथ वन भेजने में इतना द्रवित क्यों हो रहे थे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का स्थान वन में नहीं, अपितु यहाँ इस राज दरबार में है। किंतु महाराज के वचन का क्या होगा? आप एक कार्य कीजिए, गुरुवर को अपने साथ ले जाइए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। निर्णय हो चुका है, हम चुनाव जीत चुके हैं। हम महाराज के चरण और विजयनगर की चौखट छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। शांत हो जाइए गुरुवर, मैं मात्र उपहास कर रहा हूँ। डर गए थे। तो गुरुजी, तय रहा, आप अपना वचन निभाएंगे और विजयनगर में ही रहेंगे। जी गुरुजी, आप यही रुक जाइए, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। हाँ, और हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। हमारे गटरू मटरू गबच्चू तुंडू का क्या होगा? गटरू मटरू तो पता था, परंतु ये सब कौन है? ये वो पशु पक्षी है जिनको हमने पाला है, जिनसे हमें और जिनको हम अत्यधिक प्रेम करते हैं महारानी। उनके बगैर हम और हमारे बगैर वो रह नहीं सकते। महाराज, हमारे प्राण तो वन में बसे हैं। तो जिस भांति आप उनके बिना नहीं रह सकते, उसी भांति मैं भी तो अपने महाराज के बिना नहीं रह सकता ना गुरुजी। जिस प्रकार आपके प्राण वन में बसते हैं, उसी प्रकार मेरे प्राण भी तो विजयनगर में बसते हैं ना। सत्य वचन। धन्य है पंडित रामकृष्ण, धन्य है। कितनी सुंदरता से आपने हमें ये उपमा दी है, कितनी सुंदरता से आपने हमें समझाया है। महाराज, हम आपको आपके वचन से मुक्त करते हैं। पंडित रामकृष्ण को हमारे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु महाराज हमें वन लौटने की अनुमति दे दीजिए। किंतु गुरुजी, आप तो महाराज के राज्याभिषेक तक रुकने वाले थे ना? हाँ, रुकने वाले थे, किंतु अब नहीं रामकृष्ण। आज प्रातःकाल ही ककलू कौवा आकर हमसे कह के गया कि हमारी नंदी गऊ अस्वस्थ है, तो शीघ्र अतिशीघ्र हमें आश्रम जाना होगा उसके उपचार के लिए। महाराज, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। धन्यवाद गुरुजी। यशस्वी भव। सुमेरमल जी, आप गुरुजी के साथ 10 सेवक भेजिए और स्वयं इन्हें ससम्मान विजयनगर की सीमा तक छोड़कर आइए। महाराज, गुरुजी, हम शीघ्र ही आपसे भेंट कर रहे हैं, आपके आश्रम आएंगे। अवश्य महाराज, अवश्य, हम आपकी राह देखेंगे।
रामाकृष्ण, आज आपने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि एक विद्वान मनुष्य राजा से भी बढ़कर होता। आपके बुद्धि, नीति और ज्ञान के संगम के समक्ष हम सब पुनः नतमस्तक हो गए। धन्यवाद महाराज। अब आप दोनों सदैव हमारे पास ही रहेंगे। महाराज, कल आपका राज्याभिषेक है, तो मैं और गुरुवर देख कर आते हैं कि सारे प्रबंध सुचारू रूप से हो रहे हैं अथवा नहीं। चलिए गुरुवर। हाँ चलिए। चले जाइएगा, परंतु जाने से पूर्व हमें ये तो बता जाइए कि हमारे राज्याभिषेक के अवसर पर आप दोनों हमें भेंट क्या देने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी जाने वाली भेंट ही ये तय करेगी कि आप में से कौन हमारे हृदय के अधिक समीप का स्थान ग्रहण करेगा। याद है ना हमने क्या कहा था? आप दोनों में से हमें कौन ऐसी भेंट देगा जो हमें अधिक भाएगी। अब देखना है कि आप दोनों में से कौन हमारे हृदय के अधिक समीप है। महाराज, आपके हृदय के सबसे समीप वाला जो स्थान है वो तो पहले से ही आरक्षित है। वो कैसे? उस पर हमारा जो अधिकार है। ये आप निर्धारित नहीं करेंगे गुरुवर, अपितु किसकी भेंट महाराज को सर्वाधिक पसंद आएगी ये उससे निर्धारित होगा, और वो भेंट मेरी ही होगी। अरे जाइए जाइए पंडित रामकृष्ण, आप क्या देंगे भेंट? हमारी होगी भेंट। तो हम देंगे महाराज को ऐसी भेंट देंगे कि महाराज के हृदय के सर्वाधिक समीप हम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान मैं ही प्राप्त करूंगा। वो स्थान तो हम ही प्राप्त करेंगे। हम कहते हैं कि शांत हो जाइए। आप दोनों में से किसकी भेंट हमें अधिक पसंद आएगी, इसका निर्णय कल राज्याभिषेक के अवसर पर ही होगा। और क्या होगी वो भेंट, ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं।